थ नेक्स्ट चैप्टर सेमी कंडक्टर्स बहुत ईजी है इसके भी तीन पार्ट्स है तीन अलग अलग टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएंगे एक तो बेसिक सेमी कंडक्टर्स जैसे इंटेंसिक क्या होता है एक्सटेंसिक क्या होता है करियर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है मोबिलिटी क्या होता है फॉरवर्ड बायर्स रिवर्स बायर्स वोल्टेजस एक्सेट्रा एक्सेट्रा दूसरा आएगा ट्रांजिस्टर्स पे कॉमन बेस कॉमन इमीटर कॉमन कलेक्टर बीटा अल्फा याद होगा अल्फा डीसी बीटा डीसी ये सब पे क्वेश्चन आएंगे तीसरा है लॉजिक गेट्स पे तो टोटल इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स जंक्शन डायोड से लेके तो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस तक फिर जाएंगे ट्रांजिस्टर पे तो पहले डायोड के क्वेश्चन होंगे इन अ गिवन सर्किट ए बी एंड सी तीन सर्किट दिए द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू पी एन जंक्शन आर इक्वल इन तो तीनों में से कौन से दो सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम ऐसा पूछा है ऑप्शन देखो सबसे पहले सबसे पहले व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज पॉजिटिव कनेक्टेड टू पी टाइप एंड नेगेटिव कनेक्टेड टू एन टाइप इज फॉरवर्ड वायस करेक्ट यहां तक क्लियर यहां पे पॉजिटिव इज पी और यहां पे पी इज नेगेटिव समझ में आ रहा है नहीं यहां तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है पी एक साइड पॉजिटिव है पी एक साइड नेगेटिव है सही है ये वाला पी फॉरवर्ड बायस है, ये वाला पी रिवर्स बायस है तो इसका तो सेंस ही नहीं बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल गुड अब ये N कनेक्टेड टू नेगेटिव P कनेक्टेड टू पॉजिटिव ये भी कौन है फॉरवर्ड है और ये दोनों फॉरवर्ड बायस है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा सेम होगा तो ए और सी ए एंड सी ऑप्शन नंबर डी डन इज दिस फॉरवर्ड बायस यस इज दिस खत्म एंड ऑफ द स्टोरी तो पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम फॉर बोथ सर्किट्स ए एंड सी हो गया ये 2022 नीट लास्ट ईयर का नीट का क्वेश्चन था और ये भी लास्ट ईयर नीट का क्वेश्चन था इन हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 देन सिक्सटी हर्ड्सुट फ्रीक्वेंसी वु क्योंकि रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस में क्या होता है चलो मुझे बताओ हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बाकी सब छोड़ दो सबसे पहले था ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है ए को ए रखना एसी को ए रखना राइट सिर्फ स्टेप अप या स्टेप डाउन तो ट्रांसफॉर्मर एसी को डीसी नहीं बनाता है ये सबसे पहले पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर डज नॉट कन्वर्ट एसी टू डीसी उसका एक ही रोल है स्टेप 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 अप और डाउन 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 तो नॉर्मली 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 वो होता है राइट इट इज टू थर्टी वोल्ट का सप्लाई आता है हमारे पास और हमको 230 थर्टी वोल्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है नॉर्मली नॉर्मली तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज्यादा होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कम होगा उसके बाद अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर याद होगा तो यहां पे तुम एक ही डायोड लगाते हो सिंगल डायोड और फिर यहां से कनेक्शन लेते हो सीधा जाता है लोड रेजिस्टेंस को जाता है लोड को यस और यहां पे कनेक्ट कर देते हो दिस इज व्हाट यू हैव राइट यहां पे होता है लोड रजिस्टेंस लोड मतलब जो आपको यूज करना है इंस्ट्रूमेंट उसका रजिस्टेंस आर फिर अगर आपको याद होगा तो इनपुट और आउटपुट साइकिल्स हमने देखे थे एक बार पढ़ लिया तो याद रहना चाहिए वो बाय डिफॉल्ट तुमको याद होना चाहिए हमने इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस प्लॉट किए थे यहाँ पे ये वोल्टेज एक्सिस था पहले इनपुट वोल्टेज ये टाइम एक्सिस था ये भी टाइम एक्सिस है यहाँ पे आउटपुट नीचे प्लॉट करोगे इनपुट पे ए है ए है ये यह यहाँ से तुमने इनपुट दिया था ये इनपुट है ये स्टेप डाउन हो गया तो डायोड रेक्टिफायर का इनपुट यहाँ पे है का इनपुट यहाँ पे याद होगा ये ए पॉइंट था ये बी पॉइंट था और आपको ये भी याद होना चाहिए ये ऐसा होता है साइन वेव ए सी ए सी साइन वेव मैं बता रहा सिर्फ स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है बाकी कुछ नहीं करता है तो इधर इनपुट पे जब पॉजिटिव होगा तो ए भी पॉजिटिव होगा और ये होता है पी ये होता है एन ये पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाता है नेगेटिव क्टेड टू पॉजिटिव एन कनेक्टेडेटिव फॉरवर्ड करंट फ्लो थ्र इट अगर करंट यहां से फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे आउटपुट पे मतलब में ए बिकम्सिव बी बिकम्स पॉजिटिव रिवर्स बायस नो करंट फ्लो करंट बिकम्स जीरोज ऑल्सो बिकम्स जीरो याद होना चाहिए तो हाफ साइकिल में वोल्टेज मिलता नहीं है फिर वापस से क्या होता है फॉरवर्ड बायस ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव तो क्या हो गया सिर्फ हो गया रेक्टिफिकेशन मतलब सिर्फ जो पॉजिटिव हाफ इनपुट साइकिल था तभी आपको क्या मिला आउटपुट करेक्ट फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ नहीं अब्सुलटली नो फ्रीक्वेंसी रिमेंस सेम 60 हर्ट्ज का इनपुट तो आउटपुट भी 60 हर्ट्ज डन अगला क्वेश्चन 2021 नीट एनसीईआरटी पेज 475 476 जोक इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है अस से एनी इज सेम एज होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी टाइप तो दो अलग अलग सेमीकंडक्टर है इसको कंफ्यूज मत करना पी एन जंक्शन डायोड में एन अलग है पी अलग है व्हाट इज इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर हाँ विदाउट डोपिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोपिंग एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी तो हमारे पास प्योर सेमी कंडक्टर है सिलीकॉन टोटल प्योर तो so, प्योर मतलब इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर में जीरो केल्विन पे जीरो केल्विन पे अगर याद होगा आपको कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम टी बैंड इज कंप्लीटली फील्ड नो फ्री इलेक्ट्रॉन नो कंडक्शन जब टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बैलेंस बैंड गो इन टू कंडक्शन बैंड एक इलेक्ट्रॉन गया कंडक्शन बैंड में तो नीचे एक होल बन गया दूसरा गया तो दूसरा होल बन गया तीसरा गया तो तीसरा भी होल बन गया तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में उतने ही होल्स होते हैं तो इस केस में कोई माइनॉरिटी नहीं है कोई मेजोरिटी नहीं है एंड यू गेट करंट बिकॉज ऑफ बोथ होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स ये याद होना चाहिए अब अब ये जितना करंट जनरेट करता है कौन इंट्रेंजिक बहुत छोटा होता है वो माइक्रो एम्पियर प्रैक्टिकल परपज के लिए कोई काम का नहीं है फिर हम लोग क्या करते हैं हम लोग इम्प्यूरिटी एड करना चालू करते हैं जैसे सारे के सारे सिलिकॉन थे एक परसेंट सिलिकॉन निकाल दिया कुछ और डाल दिया उसको बोलते हो डोपिंग द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी इज कॉल्ड लेस डोपिंग एंड द एटम दैट यू आर एडिंग इज नोन नोपते दो टाइप के एक होता है एक्सेप्टर एक होता है डोनर एक होता है ट्राइवेलेंट एक होता है पेंटावेलेंट। डोनर मतलब पेंटावेलेंट। तो आप ऐसा डालते हो जिसका कितना है पाच्च. पाच्च में से चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स मैं बहुत क्विकली क्विकली बता रहा हूँ हमने थेरी में इन डिटेल किया है इट वॉज योर ड्यूटी टू रिवाइज एंड कम पांचवा रह गया अनपेयर्ड और उसका लेवल इंप्यूरिटी का लेवल ये वैलेंस कंडक्शन बैंड से जस्ट बिलो होता है तो ये इजीली फ्री होता है तो सबसे पहले जो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुआ वो फ्री हो गया तो एट एनी टेम्परेचर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज ग्रेटर नंबर ऑफ होल्स किसमें एन टाइप में फिर पी टाइप में क्या होता है यू एड ट्राइवलेंट इंप्यूरिटी चार की जगह पे तीन ही इलेक्ट्रॉन्स है तो एक क्या है होल है यहां पे नंबर ऑफ होल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एनी टेम्परेचर राइट तो अब हमारे पास दो सेमीकंडक्टर है एक है एक है पी एक है एन टाइप एक है पी टाइप एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस देम कंपेयर द करंट इन देम तो हमने एक एन टाइप लिया एक पी टाइप लिया दोनों में चार्ज का सेम था मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन टाइप में है, उतने ही होल्स पर यूनिट वॉल्यूम टाइप में है, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम लगा दिया तो एन टाइप और पी टाइप में करंट को कंपेयर करो करंट इन एन टाइप विल बी ग्रेटर टू करंट इन एन टाइप करंट इन पी टाइप इज ग्रेटर ऑप्शन सी ओके यू नो इलेवेंथ स्टैंडर्ड अगेन करंट करंट चैप्टर नंबर 11, इफ आई एम नॉट रॉंग, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स इलेवेंथ का 11 चैप्टर हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था करंट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ चार्जेस एंड चार्ज इट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर ये डिराइव किया था इलेवेंथ में किया था देखो अभी क्वेश्चन में बोला ये है ये तो सेम है चार्ज भी सेम है जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही होल का चार्ज एरिया भी सेम ही है इसका मतलब करंट इन शॉर्ट किस पे डिपेंड किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुमको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे लेकिन इसमें जो एक कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शनलिटी आता है उसको बोलते हो म्यू क्या बोलते हो उसको म्यू तो देर फॉर करंट इज प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू म्यू इन टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केस में क्या है सेम तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी इसको बोलते हैं मोबिलिटी म्यू को पता क्या बोलते हैं मोबिलिटी क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको मोबिलिटी मोबिलिटी मतलब ईज ऑफ मोशन ईज ऑफ मोशन कितना इजीली कोई चीज मूव हो सकता है उसको ईज ऑफ मोशन बोलते हैं मोबिलिटी ये जो होल बना होल कैसे बना इलेक्ट्रॉन गया इलेक्ट्रॉन का नहीं होना मतलब होल होता है सही है अब मेरे पास एक एटम था जिसमें लास्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स थे एक गया इलेक्ट्रॉन तो गया फ्री हो गया वहां पे क्या बन गया लेकिन वो होल किसका पार्ट है एटम का मतलब वो आयोन का पार्ट है बराबर तो आयोन इजिली मूव होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोबिलिटी ऑफ होल बराबर तो करंट किसमें ज्यादा हो? होगा एन टाइप करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर तो इट इज नॉट ऑलवेज चार्ज कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो करंट सेम है ऐसा नहीं होता है तो बताओ ऑप्शन नंबर डन नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर ए जीना डायउ इज कनेक्टेड इन रिवर्स बाय यूज एजल्टेज रेगुलेटर आप जीना डायोड मतलब ब्रेक रीजन में ऑपरेट करते हुए बिटवीन पॉइंट वन टू पॉइंट थ्री वोल्ट अफकोर्स नॉट बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू पहली बात तो डिपेंड करता है कि सिलीकॉन है जर्मेनियम है एक केस में आई थिंक फॉर द केस ऑफ जर्मेनियम इफ आई एम नॉट रॉंग उसका वैल्यू आता है 0.3 से 0.35 के बीच में और सिलिकॉन के लिए 0.6 से 0.7 के बीच में तो ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर बी ये करेक्ट नहीं है तो कौन सा करेक्ट है ओनली ए ए इज करेक्ट व्हाइल बी इज इनकरेक्ट सिंपल सो इवन वैल्यूज तो जब आप रीडिंग करते हो तो ये वैल्यूज को मार्क डाउन करते जाओ इवन वैल्यूज विल टू सोल्व तो मैं बता देता हूं नॉर्मली फॉर वन केस इट इज फ्रॉम जीरो पॉइंट थ्री टू जीरो वोल्ट फॉर One case वन केस one case, one case मतलब कौन सा शायद जर्मेनियम है और दूसरे केस के लिए सिलिकॉन के लिए 0.6 से 0.7 volt वोल्ट के बीच में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन बैरियर पोटेंशियल क्या होता है बताओ वॉट इज बैरियर पोटेंशियल ठीक है तो फिर थोड़ा सा मेरे को वापिस थेरी बताना पड़ेगा मैं ड्रॉ कुछ नहीं करने वाला दिस टाइम मै डिसाइडेड नॉट टू ड्रॉ एनीथिंग थोड़ा सा यू हैव टू रिमेम्बर योर सेल्फ ऑल्सो इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर प्योर सेमी कंडक्टर नो इम्प्योरिटी एडेड होस्ट सारा का सारा होस्ट सब सिलिकॉन 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 के आइटम्स है राइट शेयरिंग इज शेयरिंग हर सिलिकॉन ने चार चार इलेक्ट्रॉन शेयर करके रखा है क्योंकि चार थे लास्ट शेल में और चार चाहिए टू कंप्लीटेड ऑक्टेट तो एक इलेक्ट्रॉन एक नेबर के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे नेबर के साथ तीसरा तीसरे के साथ चौथा चौथे का शेयर हो गया वैलेंसी इसका हो गया कंप्लीट ये प्योर अब आप इसमें दो इंप्योरिटी ऐड करते हो एक ट्राइवेलेंट होता है मतलब पी टाइप बनता है मतलब होल्स मेजोरिटी है एक होता है पेंटालेन्ट मतलब एन टाइप बनता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजोरिटी अब मैंने ऐसा किया कि पहले बेस मटेरियल लिया पूरा का पूरा प्योर सेमीकंडक्टर आधे पार्ट में डाल दिया ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी क्या बन गया हो? पी टाइप आधे में डाल दिया पेंटालेन्ट क्या बन गया एन टाइप

जो एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिव आयन बनता है राइट right? तो पी साइड पे जंक्शन के पास में क्या बनने लग गया नेगेटिव और क्योंकि N से N ने डोनेट किया तो एन साइड पे क्या बनना पॉजिटिव आयोस राइट ओवरऑल एन नेगेटिव था क्योंकि होल्स का इलेक्ट्रॉन्स का क्या है मेजोरिटी है सिर्फ बाउंड्री के पास जंक्शन के पास ओवरऑल एन जो नेगेटिव था बाउंड्री के पास वो क्या बन गया पॉजिटिव और जो पी ओवरऑल पॉजिटिव था क्योंकि होल्स थे, वो पोटेंशियल तो, मतलब तो जो पोटेंशियल बना इसको क्या बोलते हो बैरियर पोटेंशियल एन साइड में पॉजिटिव जमा हो गए पी साइड में नेगेटिव जमा हो गए तो नेगेटिव और पॉजिटिव का हो गया सेपरेशन इसको तुम बोलते हो बैरियर पोटेंशियल तो क्या बन गया बैरियर पोटेंशियल क्या बन गया बैरियर पोटेंशियल इसकी वैल्यू की बात चल रही थी इसकी वैल्यू होती है टू टू फॉर फॉर जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन अब उसी तुमको समझ में आएगा ये अगला क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी का एनसीआरटी पेज फोर एटी का क्वेश्चन है इंक्रीज इन द दिट ऑफ डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू अभी जो मैंने अभी तुमको हिस्ट्री बताई वो सारी हिस्ट्री को मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं ये आपके पास था प्योर बेस सिलिकॉन जर्मेनियम जो भी लेना होगा वो आपने क्या किया आधे पार्ट में क्या क्या डाल दिया ट्राइवल मतलब क्या बन गया ये क्या बन गया ये पी टाइप मेजोरिटी फोल्स आधे टाइप में क्या डाल दिया इलेक्ट्रॉन्स तो क्या बन गया एन टाइप पेंटरन डाल दिया ना आपने तो यह क्या बन गया एनटाइप यह क्या है पीटाइप अब क्योंकि यहां से बाउंड्री के पास के इलेक्ट्रॉन यहां चले आए थे यहां आयोन और यहाँ बन गया था पॉजिटिव आयोन तो ये जो रीजन है इस रीजन में मूविंग चार्जेस नहीं है क्यों नहीं है चले गए ना यहां से यहां से छोड़ के यहां आ गए मतलब वहां पर मूविंग चार्जेस तो है नहीं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहा था पता है इलेक्ट्रॉन गया था, था कंडक्शन बैंड में पी टाइप के कंडक्शन बैंड में पी टाइप के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनॉरिटी मेजोरिटी कौन होता है होल्स कहाँ होता है हो. कौन से बैंड में होता है बैलेंस बैंड में होता है होल्स हो. कहाँ पे होते हैं वैलेंस बैंड में होते हैं इलेक्ट्रॉन आया कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप से कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप नीचे कौन है वैलेंस बैंड कौन है उसमें फोर्थ क्या किया उसने होल ने पकड़ लिया पकड़ लिया तो क्या हो गया रिकॉम्बिनेशन बराबर तो इलेक्ट्रॉन गया इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया किसने ले लिया किसने लिया? किस लिया जल्दी बताओ होल कौन से होल कौन से टाइप में थे पी में कि एन में कौन से बैंड में थे कंडक्शन के वैलेंस में वैलेंस में तो ये रीजन ऐसा रीजन है जिसमें आपके पास मूविंग चार्जेस नहीं है डिप्लीशन मतलब शॉर्टेज तो ये रीजन में शॉर्टेज है किसका शॉर्टेज है मूविंग चार्जेस का क्योंकि गए वो दैट इज वाई अब अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस करता हूं फॉरवर्ड बायस पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव तो ये positive, ये पॉजिटिव को पुश करेगा कहा बाउंड्री के पास और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा कहां बाउंड्री के मतलब जंक्शन के पास तो जब मूविंग चार्जेस नहीं थे अब मूविंग चार्जेस आएंगे आएंगे यस तो डिप्लीशन रीजन का वेट कम होगा अगर मैं इसको रिवर्स बायस करता हूं इमेजिन इफ आई डू रिवर्स बायस हियर रिवर्स बायोसन सिंपल सा मतलब ये है इसको कर दिया मैंने पॉजिटिव और इसको कर दिया मैंने नेगेटिव तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस है वो जंक्शन की तरफ जाने की जगह पे पीछे की तरफ आ रहे हैं तो दे आर शिफ्टिंग हियर और इलेक्ट्रॉन्स भी जंक्शन की तरफ नहीं जाएंगे दे विल गो अवे फ्रॉम जंक्शन तो डिप्लीशन रीजन का विट क्या होगा बढ़ेगा कौन से कंडीशन में बढ़ा ऑप्शन नंबर ए रिवर्स ओनली सिंपल अगला क्वेश्चन फॉर अ पी टाइप सेमी कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इज ट्रू इज ट्रू करेक्ट ट्रू फॉल्स नहीं ट्रू इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी आई नहीं होल्स आर मेजोरिटी कर एंड ट्राइवेलेंट एंड आर डोब ये नाइनटीन अच्छा बीस को करना पड़ेगा सोल्व तो हम लोग ये करेंगे कल दैट्स इट फॉर टुडे